नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स वर्सेस एप्पल आईफोन 12 प्रो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 12 Pro Max में 6.33 इंच जबकि iPhone 12 Pro में 5.78 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि iPhone 12 Pro Max से कम है। विड्थ की बात करें तो iPhone 12 Pro Max में 3.07 इंच जबकि iPhone 12 Pro में 2.81 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iPhone 12 Pro Max से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 Pro Max में 226 ग्राम्स जबकि iPhone 12 Pro में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 12 Pro Max में 6.7 इंचेस जबकि iPhone 12 Pro में 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 12 Pro Max में 1284x2778 और iPhone 12 Pro में 1170x2532 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 12 Pro Max में 87.55% जबकि iPhone 12 Pro में 86.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 457 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 Pro Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 12 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 Pro Max में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 12 Pro की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 5 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Apple GPU 4-core ग्राफिक्स देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 512GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में iOS v14 देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 12 Pro Max में 3687 mAh जबकि iPhone 12 Pro में 2815 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 Pro Max की 153,500 रुपीस जबकि iPhone 12 Pro की 145,900 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है,
इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है जो कि 70,900 रुपए में मिलता है। दूसरा एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 124,700 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G है जो कि 91,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है जो कि 116,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।